रूपनगर जिले के गांव डंगोली में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का मामला सामने आया है। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। आरोपी ने गांव डंगोली के गुरुद्वारा सिंह शहीदा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फाड़ डाले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पहुंचे मेंबर सुरेंद्र सिंह व मुख्य ग्रंथी तख्त श्री केसगढ़ साहिब ज्ञानी फूला सिंह की अगुवाही में बेअदबी हो चुके श्री गुरु ग्रंथ साहिब को तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब लाया गया। जानकारी के मुताबिक आज सुबह जब गुरुद्वारा साहिब में पाठ करने वाला पाठी सिंह पाठ करके वहां से चला गया तो करीब आधे घंटे के बाद नज़दीक ही रहने वाली एक महिला हरजिंदर कौर जब माथा टेकने गुरुद्वारा साहिब पहुंची और उसने देखा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हो चुकी है। उसने नज़दीकी गांव वासियों को इस घटना के बारे में बताया। मौके पर पुलिस पार्टी के साथ पहुंचे एसएसपी रूपनगर राज बचन सिंह संधू ने बताया कि इस मामले में हर तरह से गहराई से जांच की जा रही है ताकि दोषी का जल्दी से जल्द पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मौके पर पहुंचे तख्त श्री केसगढ़ साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी फूला सिंह ने अपील की कि सिख संगठन शांति बनाए रखें। हाले इस स्टेज के उत्ते हाले कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है जी। असं हरेक एंगल नूं असं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ते पूरी डूंघाई च इस मसले की जांच हो रही है। ये गुरुद्वारे च इक्को ही ग्रंथी सी पिछले 15-16 साल तो और सवेरे प्रकाश करके गया और आले दुआले कोई बाउंड्री वॉल भी है नहीं ते जिहड़े सीसीटीवी कैमराज ने वह भी रात दी नेरी करके वह भी बंद सी। इनवर्टर नाल कोई उन्हां दा कनैक्शन नहीं सी ते कुछ भी हले रूल आउट नहीं किया जा सकता है। इहो जिहे सिनैरियो दे विच बिल्कुल कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साड़ी हुणी मेरी सिंह साहबान नाल भी गल हुई है ते सारे पिंड दे लोकां नाल भी जो है हरेक नूं इस गल तो दुख तो बहुत है पर यह जी कोई सारे साढ़े नाल ने कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई है खदशा सानू नहीं है। हाँ जी मैं जी सवेरे प्रकाश करना आया जी अपने जी 4:45 जी। हाँ जी प्रकाश करके मैं जी 6:45 जी मतलब पाठ पूठ करके जी करके फिर मैं चले गया जी घरों जी। घर जाके जी मैं जी अपने काम से जाना सी मैं जी नाश्ता करना गया जो मैंने एक मुंडा मतलब पिंड का ही दसना आया जी भी उन्होंने घर ले सुखचेत सिंह के घर जी आई उत्थे वह कहें भी महाराज प्रकाश सिंह मतलब पाड़ते अंग तो फिर मैं आया जरा मैं देखिए मैं हूँ तो जी प्रकाश करके आया जी देखे जी दरवाजा खोलिया जी उस तरह जी अंग पड़े हुए थे। किन्ने क बजे की घटना हैगी तो किन्ने क अंग पाड़े गए नुकसान 5-7 अंग जी मतलब पड़े गए। किन्ने क बजे की घटना हैगी यह मतलब जी 6:30-6:30 के बीच बीच हो ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਮੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਦਾਸ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 654 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 754 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ
समूह संगतां नूं भी दास वल्लों बेनती है कि भाई अजिहियां घटनावां तों सदा जागरूक रहण। रोपड़ से शमशेर बग्गा की रिपोर्ट।